अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज इस्लामाबाद में हमारा दूसरा दिन है। कल श्रोस के वीज़े की हमने जो है बायोमेट्रिक कल करवा दी हुई थी, तो आज जो है बायोमेट्रिक मेरे वीज़े की है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि इंशाल्लाह वीज़ा लग जाए, बायोमेट्रिक अच्छी से हो जाए तो, और इंटरव्यू ना हो। बाकी हम दो दिन रहे हैं इसके रिलेटिव के पास और बहुत अच्छी खातर तवाज़ो उन्होंने की, खाना खाया, दो दिन रहे, खातरदारी कर लेते हैं। अभी जो है हमने फर्स्ट जाना है उधर फ़ोटो स्टेट करवाने, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके फिर हम वीज़ा भी जाएंगे, एम्बेसी जाएंगे। सांस फूल गए क्योंकि ये कैमरा वज़नी होता है, उठाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और बैग भी पहना हुआ है। ठीक है, तो अब फ़ोटो स्टेट करवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बैक टू बैक करना है या ये एक पेज पे एक निकालना है, बैक टू बैक? अच्छा, अब ना फ़ोटो स्टेट करवा ली हुई है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, तो उसके बाद जो है अब हम जाएंगे टैक्सी की तरफ। हमें कोई टैक्सी मिल जाए, लग रहा है कि ना टैक्सी वही मिलेगी जो कल को मिली थी। कल भी वही आदमी थे, आज भी वही आदमी है। तो उनसे कहते हैं कि वहाँ जाने का कितना, कल उन्होंने 500 लिया था यहाँ से, तो आज देखते हैं वो क्या प्यार मोहब्बत करते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे थोड़े नाल ही गए कल? अज फिर थोड़े नाल जाना, तुम दसो ये भाई। इनके साथ ना हम कल गए थे तो किस्मत से आज भी यही मिल गए, तो आज भी प्यार मोहब्बत करेंगे। अभी किधर जाने हैं? उधर ही। फिर उधर जाने? उधर ही। क्या प्यार मोहब्बत? कलर क्लोज जरा 100 रुपये और ज्यादा से ज्यादा। कल से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कल से कम कर लें यार। कल से कम नहीं ना, आपने देखा ना कितना दूर था, कितना रास्ता। ये 450 कर लेते हैं। नहीं 450? साढ़े चार नहीं ना, चले 5 ही ले लें। आ जाए 5 नहीं ना, 5 भी नहीं। आप मेरे भाई कहाँ से आए हैं? तो मैं, आप मेरे मेहमान हैं, तो जरा कम से कम 1000 ज्यादा लगाएंगे। सो मेहमान करके कितने लेंगे? कल अलग ही कसम मैंने फिर जेब से डाला। कितने लाख? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं जरा। अच्छा था, ठीक है। 500 वो मुनासिब, मैं तो कम करवाने की फिर था, 500 वो मुनासिब। ओ नहीं नहीं नहीं, 500 करें करें, डन है। चले ठीक है भाई, भाई जो है ना 500 में मान गए। अच्छा जी, अभी हम पहुँच चुके हुए हैं। अभी जो टैक्सी वाला था वो हमें उतार गया, 500 रुपया लिए, ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने बात वगैरह कर ली है। यार पीछे उस्ताद जी, ओ सारा एरिया आ रहा है। नहीं नहीं, आज ये थोड़ा भी है, ये थोड़ा सा मना कर रहे हैं लेकिन चले अब हो जाते हैं। मैं आपको अभी अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं करके आपको फिर बताता हूँ कि मेरे वीज़े का क्या। लो जी, मैं अंदर से आ गया हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया, कोई मुश्किल क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा, सिर्फ जो है ना बायोमेट्रिक कर ली है। तो बायोमेट्रिक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ा लेकिन ज़्यादा नहीं, बायोमेट्रिक होगी भी है। अब बाहर आ गया हूँ तो वो आप श्रोस को देख सकते हैं। अब हम यहाँ से एक टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेके जो है हम फैज़ाबाद जाएंगे, ताकि फैज़ाबाद से फैसलाबाद की गाड़ी पकड़ सकें। मेरे ख्याल से ना तकरीबन हमें जो है 4 से 5 घंटे लगेंगे फैसलाबाद। हम तकरीबन 9-10 बजे तक जो है फैसलाबाद पहुँचेंगे। अच्छा जी, अभी ना थोड़ी देर पहले फैसलाबाद आ गए हुए हैं, तो 5 से 6 घंटे लगे हमें फैसलाबाद आने में। रस्ते में ऐसे किस्म का वाशरूम आया ना मुझे, लेकिन एक जगह उन्होंने जिस वाशरूम में रोका और वाशरूम की हालत देख के जो था, भाईजान भी आना चाह रहे हैं जो वाश। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, ये भाई के रिक्शा, लेकिन बदकिस्मती से हमने रिक्शे पे नहीं जाना, हमने जो है हमने ये दोस्त जो है मुझसे। ओके ठीक है, नेवर माइंड। और बहुत अच्छा, इंग्लिश समझ रहे हैं, बोलते हैं। थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत जो है ना वॉशरूम बहुत ख़राब था, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन हम फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। ये मेरा जो दोस्त है जुर्कुन है, ये मुझे लेने आया है, तो अब इसके साथ जाते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉग को करते हैं, ठीक है। और आप कह दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आपके चैनल को सरप्राइज, आपको वेलकम फैसलाबाद। हाँ जी, तो थैंक्स। टी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई नेवर माइंड। नहीं नहीं नहीं, कोई ओके ओके ओके। यहाँ भी व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह अल्लाह।